अभी जॉब कर रहा था तो फिर एक एक दिन ऐसा लगा कि यार मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं कुछ अलग हटके कर सकता हूँ और खेती भी कर सकता हूँ। तो मुझे वही पुरानी वाली सोच याद आई कि यार मैं उनके प्रोडक्ट्स देखा था और उनका अच्छा बैकअप भी था, उनका जो है कॉस्ट ऑफ कटिंग बहुत अच्छी थी और एरिया प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज़्यादा था, तो मैं क्यों ना खेती ना करूँ। तो मैं फिर जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ने के बाद मैं खेती स्टार्ट किया था। खेती स्टार्ट किया तो फिर जब इनिशियल, क्योंकि नया नया था, कभी खेती मैंने कभी किया भी नहीं था जो है, तो स्टार्टिंग में कुछ बहुत हार्डर्स आए जो है। तो मैं पहले जो खेती स्टार्ट किया तो फर्टिलाइजर बेस्ड खेती है, DAP यूरिया ये सब जो है। तो अच्छा, क्योंकि MBA किया हुआ था तो हर चीज़ जो है प्रॉफिट लॉस सब कुछ बैलेंस शीट मेंटेन करते हुए काम करता था, तो मैं सब कुछ लिखता था कि कैसे क्या है। जब मैं कॉस्टिंग में जोड़ा और प्रॉफिट और मार्जिन जब मैं लास्ट के ईयर में देखा तो ये लगा कि मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा है, मार्जिन ऑफ कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और प्रॉफिट ऑफ जो है वो मैं जो है काफ़ी कम है। तब मेरे दिमाग में हो गया ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं नए नए लोगों को जो है पढ़ना शुरू किया, जो है नेट पे काफ़ी जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया जाए कि कैसे ऐसे कम कर सकते हैं। तो फिर जो है प्राकृतिक खेती का जो है एक तरीके से मुझे पता चला कि प्राकृतिक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसे कहते हैं उस पर काम किया जाए तो बहुत अच्छा था। तो फिर मैं नेचुरल फार्मिंग पर गया, उसके लिए गाय बहुत ज़रूरी थी, तो फिर मैंने गाय पाली चालू की। मेरे पास आज की पोजीशन में, आज की डेट में मेरे पास 8 गायें हैं और वो गाय बहुत अच्छी हैं। तो मैं जो आज जो खेती जो भी कर रहा हूँ गाय पे आधारित खेती कर रहा हूँ, जिसमें मैं जीवामृत भी बनाता हूँ, घनामृत भी बनाता हूँ और मैं उसी जो है गौमूत्र का ही छिड़काव करता हूँ, दही बन जाता है, मट्ठा बन जाता है, उसी का स्प्रे करता हूँ। तो उससे मेरा कॉस्ट ऑफ जो है मार्जिन जो है वो काफ़ी घटने लगा है और प्रॉफिट और मार्जिन मेरा बढ़ने लगा। खेती में जो है पहले फर्टिलाइजर बेस खेती करता था तो उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं उतना लगा जो है। तो फिर मैं जो है गाय के आधार पर खेती स्टार्ट किया जो है, सबसे पहले मेंथा लगाया या इस तरह खेती की, तो उसमें मुझे प्रॉफिट उतना नहीं समझ में आया कि मेहनत उतनी ज़्यादा है और काम उतना कम है। तो फिर मैं क्या किया, फिर जो है ये पपीता करने लगा, तरबूज करने लगा, खरबूजा करने लगा जो है, तो इसमें प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा मिला जो है और कॉस्टिंग मेरी घटा, क्योंकि मैं इस पर काम करता था फर्टिलाइजर जो मैं यूज़ नहीं करता था, कम बहुत रेयर यूज़ किया और मैं गौमूत्र पे स्प्रे किया जो है तो उस पर कभी रोग नहीं आते थे, पौधा बिल्कुल स्वस्थ, आपने देखा भी होगा जो है कि मेरा खेत में एक अलग से चमक है जो है। तो वो इसी पे है क्योंकि मैं गौ आधारित खेती करता हूँ जो है, उसमें जीवामृत ये सब डालता हूँ तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है और प्रॉफिट मार्जिन मेरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके एक्सपीरियंस के बेस में किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि जो है जैसे भी कोई भी खेती करते हैं तो उसमें गेंदे के और मक्का जरूर लगाएं। मक्का एक तरह आपको आमदनी भी देगा, दूसरा जो है जितने भी रस चूसक जो है होते हैं जैसे तेला हो गया, चेपा हो गया, जो है इस माहू हो गया, इसको अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से रोग आपके खेतों में कम लगेंगे जो है। और दूसरा एक आमदनी भी हो जाएगी आपको, मक्का हो जाएगा घर का बढ़िया जो है, मक्का भी तैयार हो जाएगा और आपकी जो है रोगों से कम होता है, उतनी आपकी फर्टिलाइजर या केमिकल बेस्ड जो जितने भी पेस्टिसाइड उनका उपयोग भी कम लगेगा और फसल आपकी बहुत बेहतरीन।